आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपका वाईफाई से कनेक्टेड जितने सारे आईपी एड्रेस है, जितने सारे एंड्रॉयड फ़ोन है या फिर जितने सारे लैपटॉप या फिर कंप्यूटर है, उसका आप स्पीड लिमिट कैसे लगा सकते हैं, कैसे उसके ऊपर बैंडविड्थ कंट्रोल डाल सकते हैं कि भाई मेरा जो है 1 Mbps का इंटरनेट है तो आप लोग 512 KBPS यूज़ कीजिए और मुझे जो है 512 जो KB है वो मुझे दीजिए। तो आप इस तरह से कैसे उसके ऊपर बैंडविड्थ कंट्रोल कैसे लगा सकते हैं आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। मैं जो राउटर यूज़ कर रहा हूँ वो टीपी लिंक का राउटर है। ये जो प्रोसेस है किसी भी राउटर में आप कर सकते हैं। तो सिंपली आप अपने ब्राउज़र को ओपन कीजिए एंड देन आपका जो टीपी लिंक का जो राउटर आईपी है वो आप यहाँ पे इंटर कर दीजिए। मेरा जो टीपी लिंक का राउटर आईपी है वो है 192.168। उसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका जो यूजर नेम है और पासवर्ड है यहाँ पे इंटर करना है। अगर आप नए खरीदे हैं टीपी लिंक का राउटर, यहाँ का जो यूजर नेम है और पासवर्ड है वो होगा एडमिन और एडमिन। तो सिंपली मैं कस्टमाइज किया हुआ हूँ। उसके बाद सिंपली आपका जो यूजर नेम है और पासवर्ड है वो यहाँ पर डाल दीजिए। डालने के बाद सिंपली लॉग इन, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आ गया। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ इसके ऊपर जाना है DHCP। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं DHCP क्लाइंट लिस्ट ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इस नेटवर्क से 2 IP जो है वो कनेक्टेड है। ये एक मेरा डेस्कटॉप है और एक दूसरा लैपटॉप या फिर PC कह सकते हैं वो कनेक्टेड है। तो सिंपली यहाँ पे आप देख सकते हैं असाइंड IP लिखा हुआ है, लास्ट में 100 लिखा हुआ है। इस IP को मैं बैंडविड्थ कंट्रोल करना चाहता हूँ जो कि ये ही लैपटॉप है। तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको मैं सबसे पहले आपको चेक कर देता हूँ कि मेरा जो अभी का स्पीड है वो कितना है। स्पीड टेस्ट के ऊपर गया, स्पीड टेस्ट जो हो गया ओपन कर दिया हूँ। अभी आप देख सकते हैं मेरा जो डाउनलोडिंग स्पीड है और अपलोडिंग स्पीड है वो लगभग 2 MB के आसपास है। चलिए सिंपली इसके ऊपर मैं कंट्रोल करना चाहता हूँ। तो सिंपली आपको क्या करना है, इस IP जो है इसको कॉपी करना है। कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर आप देख सकते हैं बैंडविड्थ कंट्रोल ऑप्शन है, उसके बाद है रूल लिस्ट, उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए एंड देन यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंडविड्थ कंट्रोल रूल लिस्ट ऑप्शन आ गया है। उसके बाद आपको क्या करना है, एड न्यू के ऊपर क्लिक करना है एंड देन यहाँ इसके ऊपर उस जो IP कॉपी किया था उस IP को पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है एग्रीज बैंडविड्थ मिनिमम जो बैंडविड्थ KBPS है और यहाँ इसके ऊपर जो मैक्सिमम बैंडविड्थ KBPS है वो लिखा हुआ है इंक्रीज बैंडविड्थ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैक्सिमम बैंडविड्थ KBPS है। इसके ऊपर जो अगर आप स्पीड लिमिट लगाना चाहेंगे तो इसके ऊपर जो जिस हिसाब से ये इसको लिमिट करते हैं वो KBPS प्रोसेस में, तो आप ध्यान में रखिए कि आप KBPS में ही आपको इसके ऊपर डालना है। जैसे कि आप 1 MBPS आपको उसको लिमिट करना है तो आपको कैसे करेंगे, तो सिंपली आपको क्या करना है 1024 डालना है जो कि 1 MB का KBPS होगा, 1024 KBPS ये होगा। तो ये जो है इंक्रीज बैंडविड्थ, यहाँ इसके ऊपर आप जो है ये अपलोडिंग स्पीड है, इंक्रीज बैंडविड्थ जो है वो डाउनलोडिंग स्पीड है। तो सिंपली इसके ऊपर मैं 500 KBPS डाल देता हूँ, 512। उसके बाद सिंपली यहाँ इसके ऊपर भी मैं 512 डाल दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली सेव के ऊपर क्लिक करना है। अभी आप देख सकते हैं मेरा जो ये IP है इसके ऊपर, अभी आप देख सकते हैं जी ये जो IP है इस IP के ऊपर जो बैंडविड्थ कंट्रोल है इसके ऊपर लिमिट लग चुका है। तो सिंपली आपको क्या करना है, मैं फिर से इसके ऊपर स्पीड टेस्ट के ऊपर गया एंड देन सिंपली अब मैं आपको टेस्ट अगेन के ऊपर क्लिक कर दिया एंड देन अभी आप देख सकते हैं मेरा जो स्पीड है वो कितना है। ये देखिए मेरा जो अभी का डाउनलोड स्पीड है वो है 0.37 MBPS और अपलोडिंग स्पीड जो है 0.39 MBPS हो गया है। इस प्रोसेस की मदद से आप किसी के IP के ऊपर बैंडविड्थ कंट्रोल लगा सकते हैं, उसके ऊपर स्पीड लिमिट जो है आप लगा सकते हैं। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक के बटन ज़रूर दबाइए। अगर आप हमारे चैनल का अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।